आहे का काँग्रेस? वैभवनगर रहिवासी संघ इथे आम्ही पहिली सुरुवात केली, पहिली सबसे बड़ी सुरुवात मुंबई में हमने यहाँ से शुरुआत की। आज वो बागाटाने में बहुत बड़े पैमाने पे हो गया है। इससे पहले हम नेशनल पार्क में करते थे, कि नेशनल पार्क में पर्यावरण की वजह से बंदी करने कर दी। इसके लिए चौथा साल मेरा ये है, बीच में कोरोना का साल गया, तो ये चौथा साल है। मैं हर वार्ड में इसी तरह से हम लोग आयोजन करते हैं। हमारे जो उत्तर भारतीय है, हमारे जो बिहारी है, उनकी माताएं, उनके हमारी बहनें, वो निर्जल 2 दिन उपवास करती है अपने पुत्र की कामना के लिए। श्रद्धा, आस्था और सूर्य की उपासना का ये पर्व है, और वो बड़े प्यार से करते हैं। उनकी सुविधा होनी चाहिए करके हमने सब ने मिलकर किया है। एक तरफ सब जगह एक मैच की उत्सुकता है लोगों को देखने के लिए। अब मैच जीतने की बहुत देर है और थोड़ी देर, पर अभी तक कुछ क्लियर आउट नहीं हुआ इसी जरूर, उसके बारे में क्या है? ऐसा है, आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, पंचम का दिन है और छठ माँ की पूजा है, और वर्ल्ड कप का भी मैच है। भारत फाइनल में आया है, हमें विश्वास है छठ मैया हमें पूरा प्रकार यश देगी और भारत ही जीतेगा। व्यवस्था की बात कीजिए, किस तरह की व्यवस्था रखा गया? हर जगह आपने देखा होगा कि हर तरह की व्यवस्था, उनको पान दिए गए हैं, गन्ने का ये दिया गया है, रंगारंग ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हर जगह रखा है। आटो वार्ड में ये सब सुविधा दिए, कई जगह तो हमारे कार्यकर्ताओं ने चाय और नाश्ते की व्यवस्था करके रखी है, जो उनके साथ में आते हैं उनके लिए चाय और पानी की व्यवस्था करके रखी है। हर सुविधा उनको देने का काम ने किया है। लंबा कई समुद्र के यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं, यही उनका सब विधि हो जाएगा, वो हमने पूरी सुविधा कर दी है। सचिन केरकर जी, आज आपके नेतृत्व में यहाँ पे और प्रकाश दादा सुर्वे आमदार के नेतृत्व में यहाँ पे एक भव्य छठ पर्व का यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखेंगे हर साल की तरह इस साल भी विधायक प्रकाश दादा सुर्वे की तरफ से हमारे हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों के भाई बहनों के लिए उनकी छठी मैया का पूजन करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हम लोग ने नियोजन किया है। हम विशेषता महानगर पालिका का आभार मानते हैं कि उन्होंने इसमें हमको सहकार्य किया है। आप देख सकते हैं कि गए साल यहाँ पे हम लोग ने 3 कृत्रिम तालाब बनाए थे, लेकिन हमारी बहनों की जो अपने बच्चों के लिए 3 दिन एकदम कड़क उपवास रखते हैं, तो वो जब पूजा करने आते हैं तो उन्हें कुछ असुविधा ना हो जाए, तो इसके लिए इस बार हमने 6 कृत्रिम तालाब किए। आप देखिए कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे पब्लिक, हमारी बहनाएँ वो छठी मैया पूजा करने के लिए तैयार है।